वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी ब्लॉग्स बाय इंडियन। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक उभरते हुए नए सितारे से, शायद आप उनको जानते भी हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे, तो बात करते हैं उन्हीं से जो कि बसोली के रहने वाले हैं। नमस्कार जी, दिस इज राहुल के। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि मैं एक बसोली का आर्टिस्ट हूं और इस मल्टी ब्लॉग बाय इंडियंस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक मैसेज देने जा रहा हूं कि हम 30 नवंबर को हम एक एल्बम रिलीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है बसोली टाउन, जो कि एक छोटे से 12 साल के आर्टिस्ट ने ये गाना गाया है और जो सॉन्ग का टाइटल है उसका नाम है बसोली टाउन। और इस सॉन्ग में हम सिर्फ बसोली को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आई होप आप सभी को ये अच्छा लगेगा। 30 नवंबर को सुबह 10 बजे ये गाना रिलीज़ होगा मेरे अपने यूट्यूब चैनल राहुल के रिकॉर्ड्स पर। जब भी ये इस गाने की बात स्टार्ट हुई तो नेति के जो पापा थे उनसे मेरी बात हुई कि इस तरह से मेरा प्लान है, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरा जो लड़का है वो सिंगिंग करता है। तो जब मैंने उनकी वोकल सुनी नेति की, आर्टिस्ट की, तो मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा प्रोजेक्ट इन्हीं के साथ ही क्यों ना किया जाए, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि मैं डोगरी को प्रमोट करूं और अपने जो लोकल एरिया है बसोली को, इसको हम मतलब एक अच्छे लेवल पे, यहाँ से जो है जिस तरह पेंटिंग पश्मीना जो फेमस है उसी तरह यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनका भी एक नाम बने। तो मैंने उनकी प्रोडक्शन के साथ साथ उनके पापा जी ने भी हेल्प करके हमने ये अभी एक एल्बम रिलीज़ करने जा रहे हैं। आप सभी की ब्लेसिंग्स की वजह से आज हम ये कर रहे हैं, तो आप सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। आज फिर हम इसी सॉन्ग की प्रमोशन के लिए हम जो बसोली के हमारे चेयरमैन हैं म्यूनसिपल कमेटी के रिस्पेक्टेड सुमेश सुपोलिया जी से मिले और रिस्पेक्टेड उदित भैया जी से मिले, और उनकी हमेशा हमें वो सपोर्ट करते हैं और हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं आप हमेशा आगे बढ़ते रहो और हमारी बसोली का जो है नाम रोशन कर दिया। अज सारे साढ़े जो बसोली वासी जो डुगर प्रदेश है खासकर बसोली, अस सारे अज एक बड़ी खुशी की गल है। साढ़ा एक होनहार बच्चा जड़ा डोगरी च गाना गा है, वार्ड नंबर 9 बसोली का एक बच्चा है और साढ़ा आईकॉन फेस्टिवल हो बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया हा। और ये राहुल होरी इसलिए पूरी जी जान ला दें साढ़े सारे बसोली वासियों का यह फर्ज बनता कि जिन्ना ज़्यादा तो ज़्यादा हो सकता इसका गाना 30 नवंबर डोगरी च जिसका पूरा थीम भी बसोली पर ही है वो गाना रिलीज होता। असें लोगों की अज सोशल मीडिया का जमाना है, असें लोगों की ज़्यादा तो ज़्यादा जोड़े अपने रिलेशन च ग्रुप न सारे उपर यह चीज़ शेयर करिए और इस चीज़ की बढ़ावा देिए। बसोली पेंटिंग से मशहूर है, बसोली रामलीला से मशहूर है, बसोली पश्मीने से मशहूर है और अब बसोली हूँ एक गाने से भी मशहूर हो और एक डुगर जो सा पहचान है माँ बोली है साड़ी उसकी पहचान की और ज़्यादा मद्देनजर रखते हुए अस इस बच्चे की जिन्ना ज़्यादा भी सकते प्रमोट करिए और हर किस्म करने लगता है हर किस्म करने प्रमोट करना चाहिए। और इसी प्रमोशन इसी नहीं है साड़ी माँ बोली डोगरी की है, साड़ी बसोली की है और साढ़े सारे लोगों की है। ये बच्चा माँ प्यो का तो है ही है लेकिन इसलिए साड़ा दायित्व है तो सारा जरा बसोली के लोग डुगर के लोग इस बच्चे की प्रमोट कर और जिनी ज़्यादा मदद हो सके कर और 30 नवंबर की यह गाना शेयर भी कर और सुन भी और ज़्यादा तो ज़्यादा सी शेयर करिए लोगों तक पहचान। जय हिंद, जय भारत, जय बसोली। मेरी जितने भी हमारे जम्मू के लोग हैं और कठुआ बसोली और देशवासियों जहाँ जहाँ भी जिस जिस कोने में भी जो जो लोग डोगरी संस्कृति से जुड़े हुए हैं उन सब से ये आग्रह है कि सब इस बच्चे की जो नई एल्बम आ रही है नैतिक की उस
गाने का समर्थन करें, उसको देखें, उसको सराहें और अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें और इस बच्चे को उसका प्रोत्साहन भी दें और अपना अपनी कृपा और आशीर्वाद दें ताकि ये बच्चा आने वाले समय में और ग्रो करे और इसके आगे तरक्की हो और ये बच्चा बसोली का नाम, जम्मू का नाम पूरे देश में रोशन करे। धन्यवाद।